इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक स्पीच की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी करके भागोगे तो सही सलामत वापस नहीं जा सकोगे, या ये भूल जाओ कि यू वुड बी सेफ। डोंट थिंक बिकॉज यू डन समथिंग एंड रन अवे टू दैट साइट दैट यू आर सेफ देयर। यू विल नॉट बी सेफ देयर। It may not, you will not be safe across the line of control, you will not be safe across the international boundary. New India is dangerous. New India comes into your home and kills you. खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप पे वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। If that is true, हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। हम 20-30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं, उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपका पड़ोसी तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक हो जाता है कि जब वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन जाए और आप दिवालिया होने के करीब हों। अभी जो हालात बने हुए, यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है, नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। जयशंकर की तरफ से एक स्पीच की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी करके भागोगे तो सही सलामत वापस नहीं जा सकोगे, या ये भूल जाओ कि यू वुड बी सेफ देयर। जिन तक मैसेज पहुंचना था पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जिनके लिए ये मैसेज है उनको पता चल जाएगा, उन तक ये मैसेज पहुंच गया होगा, ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा। और मैसेज क्या है कि अगर आप दहशतगर्दी करेंगे और आप भाग कर चले जाएंगे तो आप ये भूल जाएं कि आप महफूज रहेंगे या सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ LOC का भी उन्होंने कहा कंट्रोल करके चले जाएंगे, या दुनिया में किसी भी जगह पर इंटरनेशनल बॉर्डर आप कोई क्रॉस करके जाएंगे तो आप सेफ नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको सेफ नहीं रहने दिया जाएगा, यानी ये कि दहशतगर्दी होगी तो उसका बदला लिया जाएगा या अब नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो मुनीर अकरम साहब ने बात की है, उन्होंने उसमें ऐसे कंट्रीज का भी जिक्र किया जैसे कि कैनेडा है, कि जनाब कैनेडा में जो है ये जो कत्ल हुआ निजर का, और इस तरह की दुनिया में उन्होंने कुछ नाम लिए कि ये जो कत्ल हुए हैं इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो पाकिस्तान का जाहिर है कि उन्होंने खासतौर पर ये कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। अगर आप मेरा तजिया इसके पर चाहते हैं तो मेरा एनालिसिस, मेरा तजिया ये है कि जो ये बात की गई कि इंडिया इज, न्यू इंडिया इज वेरी डेंजरस, न्यू इंडिया इज डेंजरस, तो देखिए आपका पड़ोसी तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक हो जाता है कि जब वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन जाए और आप दिवालिया होने के करीब हों। आपका पड़ोसी तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक बन जाता है कि जब आप IMF के सामने नाक रगड़ रहे हों, और आपका पड़ोसी स्टॉक एक्सचेंज में 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाए। UN में पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तरक्की के गुण गाते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुँच गया है, जबकि पाकिस्तान के बच्चे गटरों में गिर कर मर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भारत की तरक्की के गुण गा रहे हैं और दूसरी तरफ UN में पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा खतरनाक हो गया है। बयानिया उनका एक बहुत ही रिडिकुलस टाइप का मैं समझूंगा एक बयानिया है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है, अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं, उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पर जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उनकी ठीक भी है कि टारगेट किलिंग के हवाले से, कि वो भी हर नेशन के अंदर होता है, ये नहीं है कि नेशन के अंदर कोई खूबी, सिर्फ खूबियां हो, उनके अंदर कोई गलत चीज़ें ना हो, गलत उनके अंदर रवैये ना हो, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं इंतशार पसंद लोग, वो हर जगह में पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन बहरहाल एक अप्रिसिएशन बनती है एक अच्छी कौम होने के नाते, आपका ये बनता है कि आप अपने उनके साथ, अगर वो आपसे आगे निकल चुका है, खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है?
अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज तक सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। यही अगर इन्होंने बेहतर होता कि हमें दोस्ती सिखाते तो हम भी आज उनके साथ उनके मुकाबले, हालांकि हम निकले तो आज़ाद तो उनके साथ ही हुए थे लेकिन वो हमसे 20-30 साल आगे गुजर चुके हुए हैं, निकल चुके हैं। हमसाए तो दोस्त होते हैं ना, हम लोग दुश्मन बन बैठे हैं। हमने खुश साख्ता जो है इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। हम जो आप लोकल लोगों से पूछे ना वो इनको दुश्मन मानते ही नहीं है। इनके आपस में जो लोकल लेवल पे लोगों के लेवल पे जो उनके कनेक्शन है बहुत अच्छे कनेक्शन है। यहाँ से व्लॉगर जाते हैं, वहाँ से व्लॉगर आते हैं, बहुत अच्छा उनको हम वेलकम करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। उन्होंने हमारी टीम को कितना अच्छा वेलकम किया है वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ एक सियासी जगह पर अपना 80% बजट लेने के लिए हमें सिर्फ बताया गया जी 65 की जंग, 71 की जंग, और हमें जो है मुताले पाकिस्तान की किताब में जो बताया गया उसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। हमें पता है अच्छे तरीके से कि क्या हुआ था 65 की जंग में, क्या हुआ था 71 की जंग में, क्या हुआ था, किन की पतलूने उतरी थी। ये इन चीज़ों को छोड़ के एक जो नस्ली मफादात या आपने अपने ज़ाती मफादात आगे डाले हुए ना, इनको छोड़ के अगर हम इकट्ठे तरक्की करना चाहें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। साउथ ये जो जनूबी एशिया है यहाँ पर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, हर किस्म का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आप तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडिया में क्यों इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, टेस्ला आ रही है, वो आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, हर कोई अपनी उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी जो पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं आती, वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। आस्ता आस्ता कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है वो आपका पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, इसी वजह से जा रही है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो कोई आपके ऊपर पैसा देखें, जो बिजनेसमैन होता है उसने बिजनेस करना होता है, खैरात नहीं करनी होती, उसे जब तक उसको रिटर्न नहीं नजर आएगा तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उन्हें इंडिया में रिटर्न नजर आता है इसलिए वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने ये बात की है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तालुकात बेहतर हो जाते हैं और दोनों मुल्कों में ट्रेड खुल जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो सकता है। अब आप देखें कि हमारी अच्छी खास इंडिया के साथ ट्रेड कल चलती थी, हमने कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो भी बंद कर दी। पूरी दुनिया देखें इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, अपने मफाद को देख रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब मैं वही आपको बताऊंगा कि ज़ाती मफादात कश्मीर आपको अपने पाकिस्तानी संभाला जा रहा है, उनकी गुरबत नहीं खत्म हो रही है, आपने कश्मीर वालों को लाके मारना है उनको और मारना है, ठीक है। आपके अपने मुल्क के हालात देख लें, आटे के पीछे लोग मरते हैं आटों की लाइनों में लग के, रमज़ान में कितने लोगों के लोग मरे हैं आटे की लाइनों में लग के, ठीक है। आपने कश्मीर को ले क्या करना है, वहाँ पर वो अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे तो इंडिया वाले भी तंग नहीं करेंगे, वो भी नहीं अपना जिताएंगे, वो इसलिए वहाँ पर अपनी फौज ले कर आते हैं ना कि पाकिस्तान थ्रेट करता है कि हमने। बात सुने, आप जम्मू कश्मीर को छोड़ें, आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों क्या हालात थे? 4-5 दिन मुसलसल वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुजाहरे होते रहे हैं, धरने होते रहे हैं। सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, आप जो जाए ना एक खैबर एजेंसी वाली साइड पे, इन जो जगह हैं, ये जो जगह हैं जो नहीं वेल डेवलप्ड, ये मेन सिटीज़ छोड़ के आप उधर जाएँ तो तकरीबन मैक्सिमम लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ वो एक बंदर की ढोल की तरह जो है ना दिखाने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इन चीज़ों को इन्होंने बेहतर किया, बाकी कहीं पर भी इतना कोई ना कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर है।